जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिश में जुटी मोदी सरकार, पूर्व आर्मी चीफ दिनेश्वर शर्मा को बनाया वार्ताकार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बातचीत के लिए कोई समय सीमा तय नहीं, दिनेश्वर शर्मा तय करेंगे किससे बातचीत करनी है। श्री दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ करेंगे। दिनेश्वर शर्मा को मिलेगा कैबिनेट सचिव का दर्जा, केंद्र और राज्य सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। वार्ताकार नियुक्त हुए दिनेश्वर शर्मा ने आज तक से कहा कश्मीर में सभी पक्षों से होगी बात, राज्य में शांति बहाली होगी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत, कहा एक अच्छी शुरुआत। मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली ये एक अच्छी स्टार्ट है और जरूरी शुरुआत, इट्स अ गुड स्टार्ट एंड इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा ताकत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करने वालों की हुई हार, हमें नतीजे का इंतजार। गुजरात में कैश कांड को लेकर बीजेपी पर गरजे राहुल, कहा पूरी दुनिया का पैसा लगा दो फिर भी गुजरात की आवाज को खरीदा नहीं जा सकता। हजार करोड़ लगाए, हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दे, दुनिया का पूरा पैसा लगा दो, गुजरात की आवाज को नहीं खरीदा जा सकता है। गांधीनगर में राहुल ने अमित शाह के बेटे के बहाने पीएम पर बोला हमला, कहा जय शाह के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे मोदी। राहुल ने जीएसटी को लेकर सरकार पर बोला हमला, जीएसटी को बताया गब्बर सिंह टैक्स। राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर, एक साथ मंच पर दिखे दोनों नेता। रैली के दौरान राहुल का दिखा जुदा अंदाज, मंच पर छोटी बच्ची के टिफिन से खाई रोटी प्याज और मिर्च। अहमदाबाद के होटल में राहुल और हार्दिक पटेल की मुलाकात की खबरें, सीसीटीवी में होटल की लॉबी में जाते दिखे हार्दिक। बीजेपी पर 1 करोड़ कैश देने का आरोप लगाने वाले नरेंद्र पटेल ने आज तक से कहा मेरे पास खरीद फरोख्त के सबूत। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बयान, कहा कांग्रेस को अगर लगे कि हाफिज सईद को लेकर चुनाव जीत सकती है तो उसे भी न्योता दे सकती है। विवादित अध्यादेश पर बवाल के बाद बैकफुट पर वसुंधरा सरकार, अफसरों को कवच देने वाले अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए तैयार। विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस के विरोध के बाद झुकी सरकार, वसुंधरा ने अपने मंत्रिमंडल से पुनर्विचार के लिए कहा। चौबरपा विवाद के बाद विधेयक में बदलाव कर सकती है वसुंधरा सरकार, दो मंत्रियों को सौंपा जिम्मा। विवादित अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस का विधानसभा के बाहर हंगामा, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई अर्जी, अध्यादेश को रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, शरद पवार से सलाह मशवरा के बाद किया था किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। शरद पवार के कार्यक्रम में अमरावती पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इशारों में शिवसेना पर कसा तंज, कहा दुश्मन दोस्त से प्यारा है। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, दिग्विजय ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, धर्मशाला से निर्दलीय भरा पर्चा। आज से 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन, कल हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से करेंगे मुलाकात। भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे पाक। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का फ्लाइंग अभ्यास, सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा रास्ता। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के 20 लड़ाकू विमान दिखाएंगे रफ्तार का रोमांच, उन्नाव के पास बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। वायुसेना के मिराज 2000 जैगुआर सुखोई 30 विमान टेक ऑफ और लैंडिंग का करेंगे अभ्यास, कई मालवाहक विमान भी शामिल। ड्रोन से की जा रही है पूरे इलाके की निगरानी, रनवे के दोनों तरफ लगाई गई फेंसिंग। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अभ्यास देखने के लिए 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, एक्सप्रेस वे किनारे कड़ी सुरक्षा। मुंबई के नेहरू नगर में रेप के आरोपी के पिता ने पीड़ित की मां पर किया ब्लेड से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महिला की नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में जेल में बंद है आरोपी का बेटा, जमानत नहीं होने से गुस्से में आकर किया हमला।
दिल्ली के जैतपुर में एक शख्स ने पड़ोस के दुकानदार को गोलियों से भूना, अस्पताल जाते समय तोड़ा दम। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा, गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप। रोहतक में पुराने रंजिश में दो सगे भाइयों के चाकू मारकर हत्या, बदमाशों की चाकूबाजी में एक युवक बुरी तरह घायल। बीती रात दिल्ली के कमला मार्केट में कूलर मार्केट में आग से हड़कंप, कई दुकानें जलकर खाक। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग के कारणों का भी नहीं चला पता। हैदराबाद के हयात नगर में महिला को अगवा कर गैंगरेप, दरिंदों ने मोबाइल और कैश भी लूटे। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 ट्रैक्टर के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल के बाहर नवजात बच्ची को लेकर फरार हुई महिला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलीगढ़ में एक सलून में दाढ़ी बनाने को लेकर हुए विवाद में दो गुटों में फायरिंग, 3 लोग घायल। फेसबुक पर दोस्ती के बाद दो युवकों से मिलने रुड़की पहुंची कर्नाटक की दो युवतियों से रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्वालियर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की लड़कों ने की जमकर धुनाई, 20 सड़क को हंगामा। नोएडा के नयाबाज गांव में 22 साल की युवती पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के आरा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में दिल दहलाने वाली वारदात, बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिता को जिंदा जलाया। बिहार के हाजीपुर में स्कूल में करंट से बच्चे की मौत पर हंगामा, गुस्साया अभिभावकों ने जमकर की तोड़फोड़। यूपी के ललितपुर में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फरुखाबाद में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, आरोपी पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी फरार। गाजियाबाद के कवीनगर में एक ही रात एक के बाद एक 30 कारों की बैटरी ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी बुलंदशहर में चोरी के आरोप में गर्भवती महिला की पीट पीट कर हत्या, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के सिवनी में कर्ज से परेशान होकर किसान ने खेत में लगाई फांसी, गांव में पसरा मातम। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रैवल एजेंट से परेशान होकर किसान ने की खुदकुशी, बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख का लगाया था चूना। यूपी के मऊ में 9 साल से वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचर ने की आत्मदाह की कोशिश, बीएसए दफ्तर में तैनात कर्मचारियों ने रोका। गाजियाबाद के लूनी में एक स्कूल में चौथी के छात्र के टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, मासूम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 36 मुन्ना भाई गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में पेड़ काटने की सूचना पर गांव पहुंची डायल 100 टीम पर हमला, पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। पटना में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर बदमाश, आरोपियों के पास से स्मार्ट भी बरामद। कानपुर में योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना से बदसलूकी के आरोप में थानेदार सस्पेंड, मंत्री ने डीआईजी से की थी शिकायत। तेलंगाना के करीमनगर में नगर निगम की बैठक में मारपीट, जमकर चले लाठी से। उड़ीसा के मयूरभंज में शराब ठेके के बाहर महिलाओं का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। कोयम्बटूर में भी शराब ठेके के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के भजनपुरा में बीती रात एक शख्स की गोली मारकर हत्या, हत्यारे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, नौकरी नहीं मिलने से परेशान था युवक। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर लुटेरे, लूट के कई मामलों में थी तलाश। बिहार के सुपौल में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। बिहार के दरभंगा में 9वीं के छात्र की गला रेत कर हत्या, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। अम्बाला में खेत में पराली जलाने के दौरान हादसा, बुजुर्ग किसान की झुलसकर मौत। झांसी में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर दारोगा की लोगों ने की पिटाई, जमकर हुआ हंगामा। फतेहाबाद में 20 सड़क पर एक युवक पर हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। छठ पूजा को लेकर नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, बिहार जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने भर की जगह नहीं।
दिल्ली में छठ को लेकर घाटों की हो रही है साफ सफाई, अलग अलग जगहों पर जाकर घाटों का मुआयना करते दिखे नेता। वाराणसी में ऐतिहासिक तुलसी घाट पर नाथ नतैया लीला का आयोजन, श्रद्धालुओं का लगा तांता। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने इलाहाबाद में संगम में प्रवाहित की पिता की अस्थियां, राम मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन। बागपत के विजवाड़ा गांव की पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, कहा जिस गांव में टॉयलेट नहीं वहां नहीं बिहाएंगे बेटियां। अब बैंकों में 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर फोटोकॉपी नहीं, असली आईडी दिखानी होगी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजधानी में फर्स्ट और सेकेंड क्लास में टिकट कंफर्म नहीं होने पर मिलेगा एयर इंडिया का टिकट, किराया में अंतर का भुगतान यात्रियों को करना होगा। जीएसटी नोटबंदी के असर से इस साल शादियों का खर्च 10 से 15 फीसदी तक बढ़ने की आशंका, एसोचैम की रिपोर्ट में दावा। भारत की पेंशन प्रणाली में धीरे धीरे हो रहा है सुधार, मेलबर्न मजल वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को मिला 28वां स्थान। सरकार ने माना छोटे मझोले कारोबारियों पर बोझ कम करने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव की जरूरत, राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा स्थिरता आने में लगेगा एक साल। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख और सलमान पर भारी पड़े अभिनेता वरुण धवन, इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी जुड़वा 2। अब तक 137 करोड़ की कमाई कर चुकी है जुड़वा 2। शाहरुख की फिल्म रईस ने 128 और सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट ने की थी 114 करोड़ की कमाई। 1983 वर्ल्ड कप को लेकर बन रही फिल्म में रणवीर सिंह को दी जाएगी खास ट्रेनिंग, पूर्व कप्तान कपिल देव और विजेता टीम के खिलाड़ियों से लेंगे टिप्स। निर्माता आदित्य चोपड़ा पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 15,000 का जुर्माना, शाहरुख की फिल्म फैन में जबरा फैन गाना नहीं दिखाने पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फिल्म देखने के बाद एक महिला ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा, फिल्म में जबरा फैन गाना नहीं दिखाए जाने से थी नाराज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को मौका। श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए चुनी गई टीम, मुरली विजय की हुई वापसी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बीच में कोहली को मिल सकता है आराम, लंबे समय से लगातार सभी फॉर्मेट में खेल रहे हैं विराट। 10 साल बाद एशिया कप जीत कर वतन लौटने पर हॉकी टीम का जोरदार स्वागत, चैंपियन बोले मेहनत हुई सफल। मुंबई में पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब का विमोचन, सचिन समेत दिग्गज क्रिकेटर्स की दिखी मौजूदगी। अमेरिका के टेक्सास में मालवाहक जहाज पर लदे क्रूड ऑयल बे धमाके में लगी आग, एक शख्स की मौत को बचाया गया। कोलंबिया के बोगोटा में टैक्सी चालकों की हड़ताल, उबर और कैबिफाई टैक्सी के विरोध में चक्काजाम। सीरिया के हमस में आर्मी के कब्जे से पहले आईएस के हमले में 60 नागरिकों की मौत, प्रांतीय गवर्नर ने की पुष्टि। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस की गोली से स्पेन के महिला टूरिस्ट की मौत, चेकिंग के दौरान कार नहीं रोकने पर पुलिस ने चलाई थी गोली। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कैंग म्यूंग वाने का पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री से की मुलाकात, उत्तर कोरिया को दुनिया के लिए बताया खतरा।